ये जो वाक्या हुआ है, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है मेनका गांधी जी का, ये पहला वाक्या नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई डॉक्टर्स को ऐसे गालियां दे चुकी हैं, अभद्र व्यवहार कर चुकी हैं, जो एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते और एक अच्छे डिग्निफाइड गांधी फैमिली होने के नाते, काफ़ी हम वेटेरियन उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो खुद ही जजमेंटल हो जाती हैं और जो है वेटनरी प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो खुद ही डिसाइड कर देती हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो खुद ही कहती हैं कि डॉक्टर आपने ऑपरेशन गलत किया है, आप एंटीबायोटिक दो, आप ड्रिप चढ़ाओ। तो ये एक वेटनरी प्रोफेशनल जो है वही चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेशन गलत हुआ है, ठीक हुआ है। इसके लिए प्रॉपर वो है प्रोटोकॉल है, एक इंक्वायरी कमेटी प्रोफेशनल्स की बैठ सकती है। लेकिन मेनका गांधी जी कई बार देखा गया है कि खुद ही जजमेंटल हो जाती हैं और खुद ही डिसाइड करती हैं कि ऑपरेशन ठीक हुआ है गलत हुआ है, जबकि उनको इस प्रोफेशन के बारे में कोई एकेडमिक या कैसी भी के लिए कोई नॉलेज नहीं है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सारा हमारा जो वेटनरी प्रोफेशन है वो बहुत परेशान है, दुखी है, और हम पूर्ण रूप से इस मैडम का, जो मेनका गांधी जी है, इनके बिहेवियर की पूर्ण रूप से हमारा पूरा वेटनरी प्रोफेशन निंदा करता है। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने आज ये कॉल दी थी कि आज हम पूरा ब्लैक डे, पूरे ब्लैक बैजेस के साथ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश भर में आज हम रोस वैक करेंगे और अपनी एसोसिएशन के मार्फत DC साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के लिए, ताकि ये चीज़ें, और फिर हमारी इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने ये सारी चीज़ें आज जो है BJP के जो प्रेजिडेंट हैं उनको, स्पीकर जो लोकसभा हैं उनको, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम भी ज्ञापन आज दिया है। देखिए, मेनका गांधी जी द्वारा जो भी अभद्र टिप्पणी की गई है पशु चिकित्सकों के बारे में, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, और हमारे सभी पूरे भारत के जितने भी पशु चिकित्सक हैं उनके उनके मन में बहुत रोष है उनके प्रति, और हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। वह हमारी इज्जत करें, वो उनके हाथ में है, करें ना करें, बट हमारी बेइज्जती हम नहीं सहेंगे, और इसलिए हम ये यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए हैं, और हमें पूर्ण रूप से, हमें उनसे नाराज़ हैं हम, और बहुत रोष है हम सबके मन में। धन्यवाद।